हेलो एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे अलजेब्रा का पार्ट नंबर 4, फ्री हायर मैथ कोर्स के अंदर क्लास नंबर 19। इससे पहले आपके पार्ट नंबर 3 हो चुके हैं और उसके अंदर आपको एक एक पॉइंट मैंने समझाया है रिलेटेड टू अलजेब्रा की किस तरीके क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डेफिनेटली जो है वो आते हैं। अगर मैं बात करूँ CDS, SSC या किसी और एग्जाम पे जहाँ पे भी अलजेब्रा आएगा तो उसके ऊपर कौन से फिक्स पैटर्न है वो हमने इससे पहले 3 पार्ट के अंदर कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं। अभी आगे हम उसके आगे वाले पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे उसके लिए अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास जो है वो जरूर देख लें, तभी आपको ये कहानी समझ आएगी, क्योंकि पहले वाली क्लास के अंदर ये डाटा आपको समझाया गया है। ठीक है, अगर ये पता होगा तभी हम आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आज हम यहाँ पे एक फॉर्मेट सीखेंगे कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स अगर लिखा हुआ मिले तो यहाँ से अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक्स का स्केयर प्लस वन बाई एक्स का स्केयर वो कैसे निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ से x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब वो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, या फिर इससे x की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, या फिर ये इसी से x की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, ये सारा का सारा डाटा हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर x की पावर 8 प्लस वन बाई एक्स की पावर 8, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं x की पावर 9 प्लस वन बाई एक्स की पावर 9। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट को यहाँ पे ये समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि यार यहाँ पे प्लस का है यहाँ पे माइनस होगा फिर क्या करेंगे, तो वो भी आपको आज ही करवाए जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा वीडियो थोड़ी छोटी बने और आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस होगा तो कैसे करना है, अगर यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो कैसे करना है, तो वो भी आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के सिस्टम की पहली क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, सपोज मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लेता हूँ आज के लिए। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे x प्लस वन बाई एक्स है, अगर वो यहाँ पे मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ। ये चीज मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाई थी बट आज उससे आगे बढ़ेंगे हम। अगर मैं इन दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर आप चेक करोगे, पहले हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर होगा, यहाँ पे फिर राइट साइड स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट का देखोगे a प्लस बी का स्केयर है तो यहाँ पे आएगा a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 16। ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा x का स्केयर प्लस वन बाई एक्स का स्केयर दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चीज पढ़ने के बाद इसका शॉर्टकट भी है बट हमें यहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, बट एक बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपके पास एक्स से एक्स कट जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉर्मूला ओपन करूंगा, ये फॉर्मूला जो है वो ये वाला फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा ये बचपन में, ए प्लस बी का स्केयर क्या होता है, ए का स्केयर मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाले सिंबल की, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी यहाँ पे फर्क हो सकता है बट ये कभी चेंज नहीं होगा, ये प्लस आएगा। तो मतलब कहने का, अगर हमारे पास यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर 4 है, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि x का स्केयर प्लस वन बाई एक्स का स्केयर करूँ तो यहाँ से प्लस से हम प्लस आ रहे हैं तो इसका आंसर क्या होगा, 4 का स्केयर माइनस 2 होगा। यही चीज हमने यहाँ पे की है, 4 का स्केयर माइनस 2। क्लियर, ये बात मैंने आपको लास्ट में भी बताई थी, अभी हम इसके ऊपर थोड़े और भी पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे और कैसे कैसे हमें सोचना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर थोड़ी लग रहा है किसी को कि यार पिछले वाला ये क्वेश्चन अभी नोट ही नहीं किया सर ने, आगे चले गए, तो भाई जो भी आपने पॉइंट नोट करना होगा वीडियो को पॉज करके करेंगे, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा ताकि हम थोड़े टाइम में ज्यादा कुछ सीख पाए। ठीक है, सो सबसे अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट वाला पॉइंट को समझते हैं प्रॉपरली। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके सामने ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन बाई थ्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू 964, कुछ भी लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पे अभी के लिए लिख देता हूँ इसको, अभी के लिए हम इसको चलो 9 लिख लेते हैं, वैसे कोई भी नंबर लिखा जा सकता है इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आगे आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वाला पॉइंट गिवन है, आगे आपसे ध्यान रखें यहाँ पर आपसे दो चीजें पूछी जाएंगी। पहला पॉइंट पूछा, इसको समझना है यहाँ से, फिर आपके सारे कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ आएंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ये बताओ 4 ऑफ ए का स्केयर प्लस 1 बाय 9 ऑफ बी का स्केयर, तो आपको पता है कि ये वाला वेरिएबल जो है किसका स्केयर करने के बाद आएगा, ये वाला वेरिएबल है 2 ऑफ ए प्लस 1 बाय 3 ऑफ बी का स्केयर करेंगे आंसर आ जाएगा। बट अगर मैं आपसे यहाँ पर इसी वाले पोर्शन को देखकर आपसे यहाँ पर ये पूछ लूं कि चलो ये नहीं ये बताओ यहाँ पे 9 ऑफ यहाँ पे सॉरी हमने बी लिखा हुआ है तो सारे स्टूडेंट यहाँ पे ए कर लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे जरा ए कर लो,
ताकि आपको लिखने में समझने में आसानी हो जाए, यहाँ पे ए कर लो। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 9 ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय थ्राइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ ए का स्क्वायर, तो इसका वेरिएबल जो है वो किसके बराबर आएगा? अगर ये पूछ ले जाएगा तो कैसे करना है? अब आपको पता है कि ये वाला जो है किसका स्क्वायर करने के बाद आएगा, ये आएगा 3a प्लस 1 बाय 2a के स्क्वायर करने के बाद। क्लियर है? तो इस पॉइंट को समझना होगा प्रॉपरली कि अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं ये वाले की, तो हम यहाँ पे इसका सीधा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे होगा 2a प्लस थ्राइस ऑफ a, इसका स्क्वायर करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा। जब मैं इधर फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे देखो पहले आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे आएगा मेरे पास प्लस ट्वाइस ऑफ a मल्टीप्लाई बाय p, दैट मस्ट बी इक्वल टू 81। रिमेंबर दैट a से a कट जाएगा, यहाँ पर आपके पास जो डाटा बचेगा वो क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पे 4 ऑफ a का स्क्वायर प्लस 1 बाय 9 ऑफ a का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 81 माइनस, ये वाला पोर्शन आपके पास माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व आप कर सकते हैं। बट अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, तो हमें यहाँ पर इसके अंदर कुछ हेर फेर करना पड़ेगा तभी हमारा ये वाला बैकग्राउंड इसका बनेगा। ठीक है, बाद में तो स्केयर ही करना है बट आपको ये बनाने के लिए सोचना होगा कि 2a प्लस थ्राइस ऑफ a है, अगर ये मेरे पास 9 है इसका स्केयर करने के बाद ये आएगा बट हमें चाहिए कुछ और, तो अगर इसका पोर्शन चाहिए तो हमें खुद यहाँ पे राइट साइड है इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड हमें यहाँ पे 3/2 से मल्टीप्लाई, एंड इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे तो बैलेंस रहेगी क्वेश्चन। तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे ये वाला जब इधर मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे आएगा थ्राइस ऑफ ए, ये वाला पोर्शन जब इधर आएगा तो 3 से 3 कटेगा तो यहाँ पे आएगा 1/2a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/2। क्लियर हो गया डाटा सबको? अगर मैं यहाँ से आपको पूछूं कि चलो ये वाला पॉइंट बताओ तो क्या करोगे? यहाँ से स्क्वायर करके हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आई होप सब बच्चों ने इतना सा नोट कर लिया होगा। मैंने सिर्फ अभी के लिए आपको अगर मैं पूछूं तो मैंने सिर्फ ये बताया कि इसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, इसका आपको रिवर्स पता होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आगे वाला पॉइंट आप दोबारा से समझो यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन है 2a plus 1 by thrice of a is equal to 6। क्लियर, आपको फाइंड करने के लिए बोल दिया जा रहा है कि ये वाला फाइंड करके बताओ, यहाँ पे 4 of a का स्क्वायर plus 1 by 9 of a का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान रखना, अगर मैं इसका और यहाँ पर ये वाले पोर्शन में लेकर आता हूँ तो इसका डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे 4 of a का स्क्वायर plus 1 by 9 of a का स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? 6 का स्क्वायर minus 2 into 2/3। अब ये क्यों आया इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे को लग रहा होगा यार सर ना जल्दी करवा रहे हैं, पता नहीं चल रहा, ये सारी चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको यहाँ पर करवाई थी। अगर आपने ये क्लास देखी है तो आपको ऑटोमेटिकली याद होगा कि यहाँ पर ये मैंने y बाय p है वो क्यों लिया था, ये लास्ट क्लास है अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट है, अगर आपके पास यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो 2 और 2 और ये 3 बच गया था, तो यही पोर्शन आपके पास यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे माइनस हुआ था, तो यहाँ पर भी हम वही चीज करने वाले हैं कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर तो रखेंगे माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पर जो उसका ऊपर वाला वेरिएबल है वो यहाँ पे आएगा और ये वाला जो नीचे वाला वेरिएबल है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 4/3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 104/3, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। क्लियर, आई होप सबको ये वाला पॉइंट जो है वो समझ आ चुका होगा कि हम इसको डायरेक्ट जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट मैंने लास्ट टाइम बता दिया था तो मैं इसके ऊपर थोड़ा आगे हम यहाँ पे अभी प्रॉपरली डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हम क्वेश्चन आंसर के ऊपर आएंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर ये डाटा पूछा होता कि चलो ये बताओ 9 ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 ऑफ ए का स्क्वायर, हमें पता है यहाँ पर इसका जो रिवर्स है वो रिवर्स कितना है, यहाँ पे अभी बताया था थ्राइस ऑफ ए प्लस 1 बाय ट्वाइस ऑफ ए, तो हमें यहाँ पर ये चीज निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंट है उसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2/3 करना पड़ेगा, सॉरी उल्टा कर दिया हमने, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3/2 और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 3/2, तभी तो बैलेंस रहेगी ना इक्वेशन, लेफ्ट और राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये इधर होगा तो ये 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3a, जब ये वाला पॉइंट इधर कटेगा 3 से 3 तो यहाँ पे आएगा 1/2a और ये वाला पॉइंट आपका आपस में कटेगा तो यहाँ पे आएगा 9। क्लियर, सो जब हम इसका स्केयर करेंगे हमें स्केयर करने के बाद ये वाला वेरिएबल दिखेगा, तो
तो स्केयर करने का तरीका दोबारा से समझ लो। यहाँ पे 9 ए का स्केयर यहाँ पे नीचे कितना आएगा, 4 ऑफ ए का स्केयर, दैट इज इक्वल टू 9 का स्केयर माइनस 2 तो होता ही होता है, बट यहाँ पर जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो ऊपर आएगा, नीचे वाला वेरिएबल है यहाँ पर ये आपका नीचे आएगा। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 78, दैट इज द राइट आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? मतलब कहने का, जब आपके पास ये डाटा है तो इसका बस आपको रिवर्स ढूंढना है, और रिवर्स आपका मल्टीप्लाई करके आए, जोड़ घटाव करके आए, वो आपको खुद चेक करना है। ठीक है? सो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट वाला पॉइंट को समझने के लिए मैं एक बार इसको सारी चीजों को यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूं, इसको नोट कर लो जो बच्चों को नहीं पता है, स्पेशली उनके लिए, कि अगर एक्स की पावर एम है प्लस 1 बाय एक्स की पावर एम है, इसकी वैल्यू हमारे पास एन हो, तो इसका स्केयर करना हो, पावर को डबल करना होगा, अगर हमने पावर को डबल करना होगा तो आंसर क्या होगा, एन का स्केयर माइनस 2, ये आपने याद रखना है। ठीक है? और इसके साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया था, ये लास्ट लेक्चर की कहानियां हैं, अगर किसी ने नहीं देखी तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूफ बताए थे, अदरवाइज अभी मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, कि अगर हम यहाँ पर ध्यान रखना, मैं जो लिख रहा हूँ ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, कि अगर माइनस से प्लस में आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एन का स्केयर प्लस 2 होगा। क्लियर है? यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये माइनस से प्लस में आ रहे हैं, यहाँ पर आप प्लस में जा रहे हो, प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पे माइनस होता है, माइनस से प्लस आएंगे तो यहाँ पे प्लस होगा, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। ठीक है? इसका आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था, अब मैं वेरिएबल वाइज करवा देता हूँ, ए एक्स की पावर एम प्लस 1 बाय बी एक्स की पावर एम, अगर ये मेरे पास यहाँ पर एन के बराबर है और आपको ये बोल दिया जाए कि यहाँ पर ए एक्स इसकी पावर को डबल करना पड़े, इसकी पावर को अगर मैं डबल कर दूं, जैसे बी एक्स है तो इसकी पावर को अगर मैं डबल कर दूं, तो वो क्या आंसर आएगा मेरे पास, एन का स्केयर माइनस 2 तो होगा, बट ए अगर ऊपर है तो ए होगा, बी अगर नीचे है तो बी होगा। ठीक है? ऐसे ही सिमिलर पॉइंट आपके पास ये भी है, अगर आपको ये पता नहीं है तो ये भी आप याद रखें, कि यहाँ पर अगर हमारे पास ए ऑफ एक्स की पावर एम माइनस 1 बाय बी ऑफ एक्स की पावर एम है इक्वल टू एन, तो जब मैं इसका स्केयर करूंगा तो यहाँ पे आएगा ए एक्स की पावर 2 एम प्लस 1 बाय बी एक्स की पावर 2 एम। क्लियर? That must be equal to n का square plus of twice a divided by b. You have to remember all of these four format. Clear? ये चारों के चारों format जो है वो square base के ऊपर है। मैंने last class में बताया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ बच्चों ने वो class पूरी नहीं देखी होगी तो वो शायद रह गया होगा, तो मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ, इसके proof है, पिछली class में दिए गए हैं, वहां से जाके कर लो। अभी हम इसके basis के ऊपर थोड़े से concept and question और पढ़ेंगे, but after cubing. अब हम पहले क्यूब करना सीखेंगे, उसके बाद मैं सारे के सारे फॉर्मेट लिखूंगा, फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली हैंडल जो है वो कर पाएंगे। ठीक है? चलो, सो आगे बढ़ते हैं अभी क्यूब के ऊपर। अगर हमारे पास कभी भी कभी ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ मिले एक्स डिवाइड बाय 1 बाय एक्स की इक्वल टू, अभी मैं यहाँ पे एन लिख लेता हूँ। ठीक है? सो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब, सर यहाँ पे माइनस नहीं हो सकता। मैं देखो अभी कह रहा हूँ, थोड़ा सा माइनस वालों के लिए भी वेट करो, मैं आपको माइनस के रिजल्ट लास्ट में बताऊंगा, अभी के लिए छोड़ दो, प्लस से प्लस वाला फॉर्मेट देखो। तो हम क्या करेंगे, अगर क्यूब है तो दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्यूब का फॉर्मूला जो है वो आना यहाँ पे जरूरी है। अगर यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, इधर भी क्यूब, तो यहाँ पे देखेंगे ए का क्यूब, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहाँ पे आएगा ए प्लस बी इक्वल टू एन का क्यूब। जिसको फॉर्मूला नहीं पता इधर नोट कर लो, क्योंकि ये आज नहीं तो कल आपको अलजेब्रा में नोट करने ही पड़ेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाय एक्स का क्यूब प्लस थ्राइस इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास एन, इस एन को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्राइस ऑफ एन इक्वल टू एन का क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, दैट मस्ट बी इक्वल टू एन का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एन। यू हैव टू रिमेम्बर दिस अप्रोच ऑल्सो वेन वी आर क्यूबिंग ए नंबर। क्लियर? सर सेम अप्रोच माइनस के लिए भी होगी, बिल्कुल माइनस के लिए भी होगी, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप क्यूब वाला फॉर्मेट समझ आ गया। अब अगर सारे बच्चे ध्यान रखो, लास्ट में मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ध्यान रखो कि सपोज यहाँ पे हमारे पास a होता और यहाँ पे b होता, यहाँ पर हमारे पास a x का क्यूब होता, b x का क्यूब होता, यहाँ पर भी हम क्या करते, a और b लिखते, फिर
यहाँ पर भी क्या होता, फिर ए का क्यूब, यहाँ पे बी का क्यूब, समझ आ रही कहानी? यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास ए होता, यहाँ पे बी, और यहाँ पे होगा ए और यहाँ पे बी। अब यहाँ पे एक्स और एक्स कटेगा, यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा वेरिएबल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ए एक्स का क्यूब। इस वाले को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी थोड़ा सा आप समझो जो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप है वो बताने वाला हूँ, नहीं तो आप पीछे करके जो मैंने लिखा था वो दोबारा से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थ्राइस ऑफ ए डिवाइड बाई बी बचेगा और साथ में एन आएगा। अंडरस्टैंड? जब ये वाला पॉइंट उधर चला जाएगा तो हमारे पास ये वाले पॉइंट का जो आपके पास फॉर्मेट आएगा वो आएगा एन का क्यूब माइनस, यहाँ पे 3n तो आएगा बट ए बाई बी भी होगा, कि जो वेरिएबल ऊपर वाला है वो ऊपर हो जाएगा, जो वेरिएबल नीचे वाला है वो नीचे हो जाएगा। अंडरस्टैंड? इसको अप्रोच को एक बार सारे बच्चे नोट कर लो ढंग से, आपको एक एक पॉइंट समझाया जा रहा है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट अभी इसके बारे में प्रॉपर नोट कर लेते हैं यहाँ पे, कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक्स प्लस वन बाई एक्स गिवन हो और इसकी वैल्यू एन गिवन है, तो यहाँ से आपके पूछ लिया जाएगा कि एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब क्या होगा, तो आंसर होगा इसका एन का क्यूब माइनस ऑफ 3 एन। क्लियर? यू हैव टू रिमेम्बर दिस, बट ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस, इफ ए एक्स प्लस वन बाई बी एक्स दैट इज इक्वल टू एन, इफ वी आर क्यूबिंग दिस नंबर सो वी गेट ए रिजल्ट ऑफ ए एक्स का पावर 3 प्लस वन बाई बी एक्स की पावर 3, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू एन का क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ एन एंड मल्टीप्लाई बाय ए बाय बी। वाई ए बाय बी? बिकॉज ये वाला पॉइंट इससे कटेगा नहीं, ठीक है? तो ये वाला पॉइंट आपके पास ए बाय बी साइड में आएगा। अंडरस्टैंड? आई होप सब बच्चों को ये वाला पॉइंट है समझ आ गया हो। यहाँ पर ये दो पॉइंट आपको समझ आए, और यही दोनों पॉइंट आपके यहाँ पे माइनस वाले अप्रोच में भी काम आएंगे, बट उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है क्या, एक्स माइनस वन बाय एक्स अगर एन के बराबर होगा तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब किसके बराबर आएगा, एन का क्यूब, यहाँ पे प्लस 3 एन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर माइनस से माइनस जाएंगे तो आपके पास ये वाली अप्रोच है वो लगने वाली है, माइनस से माइनस जाने पे, माइनस से प्लस नहीं जाते क्यूबिक के अंदर, जैसे कि प्लस जब हम स्केयर करते हैं वहां पे जाते हैं। मैं आपको दोबारा से लिख कर बताऊंगा, बट अभी के लिए जिन बच्चों को समझ आ रहा है वो लिखते रहो, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज और करूंगा, फिर आपको ये सारी कहानियां समझ आएंगी। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पर मैं क्यूब कर रहा हूँ तो इसका फॉर्मूला माइनस से माइनस में ही जाता है, माइनस में क्यों जाता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ये, बट यहाँ पे माइनस से माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? ये आपके पास हो गए टोटल 8 अप्रोच। 8 अप्रोच कौन से? 4 अप्रोच आपके स्केयर वाले और 4 अप्रोच आपके क्यूब वाले, ठीक है? तो अभी यहाँ पे इसको आगे बढ़ने से पहले आप सारे बच्चे इसको एक बार दोबारा से समझ लो, जब मैं प्लस से प्लस जा रहा हूँ तो यहाँ पे -2 है, जब मैं प्लस से प्लस जा रहा हूँ तो यहाँ पे -2 ए बाई बी है, बट अगर मैं माइनस से प्लस जा रहा हूँ स्केयर करते टाइम मैं माइनस से प्लस जा सकता हूँ, स्केयर करते साइन माइनस से प्लस जाएंगे तो +2, माइनस से प्लस जाएंगे +2, बट रिमेंबर दैट यहाँ पर क्यूबिंग के टाइम प्लस से प्लस है तो यहाँ पे प्लस से यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस है। अंडरस्टैंड? स्केयर में माइनस हो या फिर प्लस हो प्लस में आ जाता है सिंबल, बट क्यूब में वही रहता है। आई होप सबको समझ आ गया होगा अब तक। तो हम बढ़ते हैं अभी आगे, और ये मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ, माइनस में क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ए माइनस बी के क्यूब के फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपके पास माइनस में ही चलता है, वो फॉर्मूला माइनस में चलता है, इसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पे इस माइनस का माइनस में रह जाता है, ठीक है? आई होप सबको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या दिमाग चलते हैं सबके यहाँ पे, ठीक है? तो अभी सारे बच्चे कॉपी पेन को छोड़कर ऐसे ही आंसर करने की कोशिश करना जब मैं पूछूंगा तब, अपने माइंड में सोच लो। पहला क्वेश्चन का आंसर है एक्स का स्केयर प्लस वन बाई एक्स का स्केयर क्या होगा, आपने देखा यार यहाँ से स्केयर करना है तो आंसर क्या होगा, 3 का स्केयर -2 = 7। अब मैं अगर यहाँ पे दूसरा पोर्शन पूछूं तो यहाँ पे क्या होगा, x का यहाँ पे पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 का स्केयर -2, तो आंसर क्या हो जाएगा, 47। क्लियर? अब मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ कि x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8 करना पड़े अगर, तो इसका आंसर क्या होगा, 47 का स्केयर -2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये सारा का सारा डाटा जो है आपको समझ आ गया। अब मैं इसकी पावर आपको मैं ये कह रहा हूँ कि पावर अगर मैं स्केयर करूंगा तो यही फॉर्मेट लगता रहेगा हमारे पास, ठीक है?
पावर स्केयर करेंगे तो यही लगता रहेगा। बट अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लूँ कि ये बताओ x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, मैं अभी क्यूब ही के अंदर जा रहा हूँ, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्यूब के लिए क्या करेंगे, थ्राइस ऑफ n मल्टी माइनस थ्राइस ऑफ 3 टाइम्स, क्लियर, n का क्यूब माइनस 3n, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बट मैं अगर आपसे पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये बताओ x की पावर 9 प्लस 1 बाई x की पावर 9, तो यहाँ पे इसका भी आपको क्यूब करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे 18 का क्यूब माइनस थ्राइस इंटू 18। वैसे इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में नहीं आएगी, आपको नॉर्मल अप्रोच आएगी पेपर के अंदर, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। सो 5 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 6 नंबर क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा रहा है कि एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 कितना होगा, अब इसको करने के अप्रोच आपको सोचने पड़ेंगे। क्या अप्रोच सोचने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग चला सकते हैं। जैसे कि मेरे पास x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7। यहां से अगर मैं यहां से इसका क्यूब कर दूं, अगर मैं यहां पर इसका क्यूब कर दूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू एन, तो x की पावर 6 आ गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 343 माइनस 21 जो कि आएगा 322, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर कोई और भी तरीका है, एक तरीका और भी है कि हम x के क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब जो कि हमारे पास यहाँ पे कितना आया था 18, ये वाला अगर ये 18 है तो मैं इसका स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, तो भी आंसर कितना आएगा 322। तो दोनों अप्रोच से आप यहाँ पे पावर 6 है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। मतलब अब आपको खुद चेक करना है कि स्क्वायर करना है क्यूब करना है, पहले कौन सा करना है वो आपको खुद चेक करना है, ठीक है। समझ आ गया सारा डाटा। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। हो सकता है किसी को लगे यहाँ पे फास्ट है, तो आपको एक एक पॉइंट कॉपी पेन के ऊपर लिखना पड़ेगा, द्वारा नोट करना पड़ेगा, तो जाके समझ आएगा। अगर आपको ये लग रहा है कि क्लास लगा ली है, चलो कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे बाद में, तो बाद में कभी नहीं आता, पेपर निकल जाएगा, हो सकता है 2-4 निकल भी गए हूँ, ऐसे निकलते जाएंगे पेपर तब तक जब तक आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम है वो डेडिकेशन मांगेगा। अगर मैं टीचर हूँ, मैं आपको सारा कंटेंट फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी भी डेडिकेशन है कि मैं अपना टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी मैं कोई नोट्स से कॉपी नहीं कर रहा कि यहाँ पर मैंने कोई कॉपी रखे नोट्स है, जो मेरे दिमाग में आ रहा सीधा बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मुझे ये सारी चीज़ें इतनी ढंग से वो आती हैं, मैंने भी बहुत बार सॉल्व की हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उन चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन देखते ही आपका ऐसे पेन चले वहाँ पे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कॉपी पेन के ऊपर जरूर लिखो, थोड़ा फास्ट, मुझे पता है मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे भी पता है, बट अगर फास्ट पढ़ाएंगे तभी जो 1.5 घंटे की क्लास है वो आधे घंटे के अंदर आपको मिल पाएगी, ये आपको भी पता होगा कि आपका भी टाइम सेव हो रहा है, बट कॉपी पेन पे लिखना आपको भी जरूरी है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे देखें माइनस, इफ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूं 3, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा फाइंड करने के लिए, पहला क्वेश्चन आएगा कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बताओ। देखो अब माइनस से प्लस जा रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर n का स्क्वायर प्लस 2 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। और अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसकी पावर यहाँ पे 4 करेंगे, तो यहाँ पे अभी प्लस से प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस 2 और प्लस 2 का खेल है, ये आपको सीखना पड़ेगा, जो अगर आपने कॉपी पे पिछले वाले फॉर्मेट में देखा है तो आपको पता भी लग गया होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले जाए कि ये बताओ, चलो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे x का क्यूब माइनस 1 बाई x का क्यूब, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे n का क्यूब प्लस ऑफ थ्राइस इंटू n, दैट मस्ट बी इक्वल टू 36। बट आफ्टर दैट मस्ट रिमेम्बर, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे मैं आपको माइनस में पूछ लू यहाँ पे कि पावर 9 बताओ, माइनस में पूछ लू यहाँ पे पावर 9 बताओ, तो आंसर इसका वही आएगा यहाँ पे 36 का पावर क्यूब प्लस थ्राइस इंटू 36। बट रिमेंबर दैट, अगर एग्जामिनर थोड़ा तेज निकला, उसने ये वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे पूछ लिया, इसी को ऐसे नहीं घुमा के पूछ लिया कि यहाँ पर ये बताओ x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, अब आपका आंसर यहाँ पे गलत आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको माइनस से प्लस में आने के लिए क्यूब का अप्रोच है वो नहीं बताया। समझ आई डाटा, ये समझ आ गया ना कि माइनस से माइनस जाएंगे क्यूब के अंदर, माइनस से प्लस में जाएंगे स्क्वायर के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा तभी डाटा होगा। ये कैसे होगा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बाद में, पहले हमें बेसिक डाटा आज का समझना पड़ेगा।
ठीक है। सो अगर आपके पास इसके अलावा कोई, यहाँ पे देखो अगर मैं आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 पूछ लूँ, इस वाले को भी छोड़ देते हैं, ये मैंने अभी नहीं करवाया, कल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अगर मैं पूछ लूँ कि चलो ये बताओ x की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6 बताओ, माइनस नहीं कह रहा मैं, प्लस कह रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस में अभी नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता है कि यहाँ पर हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हमारे पास ये वाला क्यूब का फॉर्मेट आया था जो कि था 36, ये वाला क्यूब का फॉर्मेट आया था 36, या तो मैं इसका स्केयर कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा और माइनस से प्लस हो जाएगा अगर मैं स्केयर करूंगा तो, या फिर मेरे पास ये जो पावर है पावर 2 है, ये वाला 0.2 है, तो इसकी पावर अगर मैं 3 करूंगा तो भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो दोनों से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67.2 पर। अब हो सकता है काफी बच्चों को लगे यार सर कंफ्यूजन हो गया, ये तो पता नहीं चल रहा। देखो थोड़ी प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी, मैं आपको हमेशा कहता हूँ, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के सोच रहे हो तो भाई पॉसिबल कुछ भी नहीं, क्लियर है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये यकीन मानो आपको मैथ ऐसी आएगा प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसके ऊपर आपने फाइंड करना है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। दूसरा क्वेश्चन है इसी के ऊपर आपने फाइंड करना है एक्स की पावर यहाँ पे 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6। इन दोनों के क्वेश्चनों का जो भी आपका उत्तर आएगा आप इस टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। फोटो क्लिक कर लेना इसका, स्क्रीनशॉट लेकर कि सर इसका क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, या फिर बाकी स्टूडेंट से पूछ लेना कि यार तुम्हारा भी आंसर ये आ रहा है, ठीक है। इतना सा आपको काम करना पड़ेगा और ये आपका होमवर्क तरीके से है। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोल दूँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 4, यहाँ से आपसे पूछ ले जाए फाइंड पहला क्वेश्चन एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, दूसरा क्वेश्चन एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6, ठीक है ये वाला, और तीसरा भी अभी कर ही लो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का क्यूब माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब, यहाँ पे भी थर्ड नंबर कर लो एक्स प्लस 1 बाई एक्स की पावर 3 कर लो, ठीक है। ये आप सारे सॉल्व कर लोगे तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि हमने अभी अभी क्या डिस्कस किया, ठीक है। सो बढ़ते हैं 67.2। अगर आपके पास क्वेश्चन कभी और पेपर के अंदर देखोगे कई बार ना ऐसे आता है स्केयर रूट के अंदर, स्केयर रूट 1 एक्स और स्केयर रूट एक्स दैट मस्ट बी इक्वल टू, पहला क्वेश्चन तो देखो काफी आसान है, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो 2 लिखने के बाद आपको याद आ गया होगा यार एक्स प्लस 1 बाई एक्स है तो एक्स मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, अगर 2 लिख देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 रखोगे, आगे जो मर्जी पूछा रहे आपका आंसर वहीं से आ जाएगा कि फाइंड करो एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4। ये चीज़ तो आपको याद है ना, इसका आंसर भी 2 आएगा 1 रखने के बाद, ये तो याद ही हो जाना चाहिए अभी तक। अगर नहीं याद है तो पहली क्लास नहीं देखी आपने, 2 रखने के बाद ये डाटा हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर आपके पास मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे कि ये 4 है और आपको बोल दूँ कि चलो फाइंड करके दिखाओ यहाँ पे एक्स का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर, देन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करो एक बार जल्दी से वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बताऊंगा, ठीक है। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका स्केयर करेंगे। एक्चुअली में कुछ बच्चों को ये पता नहीं चलता कि यार ये स्केयर हो गया या नहीं हुआ, आप खुद बताओ जब यहाँ पे रूट एक्स है तो मैं इसकी पावर 2 करूंगा तो क्या नॉर्मल एक्स नहीं आएगा, रूट से ये पावर कट जाएगी। तो यहाँ पे मैंने स्केयर किया तो 4 का स्केयर माइनस 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14, और यहाँ से अगर मैं इसका स्केयर करूंगा तो ये कितना आएगा 14 का स्केयर माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 194, ये आपका सही उत्तर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसको नोट करते रहो। इफ आपके पास रूट ऑफ एक्स माइनस 1 बाई रूट ऑफ एक्स जो है अगर वो 3 दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि चलो फाइंड करो एक्स का स्केयर प्लस 1 बाई एक्स का स्केयर, अब इसको आप फिर से वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, चाहे गलती करो पर ट्राई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो आप अपने साथ ही थोड़ा सा धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मैं देखो ऑफलाइन पढ़ाऊंगा या ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा चलो सॉल्व करो, फिर भी आपको 1-2 मिनट आप ही को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है, फिर मैं साइलेंट बैठा रहता हूँ, ठीक है। बट अभी मैं साइलेंट नहीं बैठ रहा, अब मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। आफ्टर दैट अब मैं इसका अप्रोच देखता हूँ, जब मैं इसका स्केयर करूंगा तो यहाँ पे देखो स्केयर करने के बाद स्केयर रूट कट जाएगा, माइनस से प्लस आता है डाटा, तो इसका आंसर होता है 3 का स्केयर प्लस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। 11 से यहाँ पे जाएंगे और प्लस से प्लस जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 11 का स्केयर माइनस 2, आंसर इज 119, क्लियर है।
ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको यहाँ पे मैं अब कुछ डाटा ऐसे बताने वाला हूँ जो कि मुझे यहाँ पे देखकर लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, ठीक है ना। सो इनकी वैल्यूज यहाँ पे देख के मैं लिख लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, और आपको मैं एक ही चीज बोलूंगा, हमें अगर कुछ भी पॉइंट चाहिए, मान लो यहाँ पे कुछ भी लिखा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ फाइंड एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब, यू हैव टू रिमेम्बर दैट इसके लिए तुम्हें एक्स प्लस वन बाई एक्स चाहिए होगा, सीधा क्यूब करेंगे आंसर आ जाएगा, तुम्हें इस चीज को ढूंढना है खुद, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ये बताओ एक्स का क्यूब माइनस वन बाई एक्स का क्यूब, ये कहाँ से आएगा, ये आएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स से, तो ये तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा कहाँ से आएगा, ये अब खुद अप्रोच लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अब ध्यान से आपको समझना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए और आपको अब समझ आएगा कि अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे पास ये डाटा है और आपसे पूछ लिया जाएगा कि x का क्यूब प्लस वन बाई एक्स का क्यूब बताओ, हालांकि माइनस भी बोला जा सकता है बट अभी प्लस का ही है, तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो एक बार खुद इसका आंसर क्या होगा। आई होप फिर से आपने ट्राई नहीं किया होगा, कुछ बच्चों ने कुछ ने कर लिया होगा, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं ट्राई, ट्राई करोगे तभी आपको ज्यादा समझ आएगी। अब मैं इसका अप्रोच बताता हूँ क्या है। अप्रोच क्या होगा, हमें ये पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए x प्लस वन बाई एक्स हमें चाहिए। अब हमारे पास x की वैल्यू तो पता है, अब मुझे 1 बाई एक्स यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास x है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और स्केयर रूट के अंदर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे रूट थ्री माइनस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज आई होप सबको आता होगा, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं सेम सिंबल सेम वेरिएबल्स को ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर आप देखोगे ऊपर ये वाला पोर्शन तो हमारे पास सेम एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पर ये वाला पोर्शन आपके पास आएगा रूट थ्री माइनस रूट टू, नीचे वाले अप्रोच में देखोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो नीचे आप देखोगे यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये इससे कट करेगा इससे कट करेगा, नीचे तो वन आ रहा है, नीचे वन आ रहा है तो उसको इग्नोर ही कर दो, यहाँ पे रूट टू से रूट टू कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ रूट थ्री। अब ये आंसर आया किसका है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का आया है, और हमसे पूछा है यहाँ पे इसका क्यूब। अब जब इसका क्यूब हमें फॉर्मूला याद है, इसका शॉर्टकट क्या था कि टू ऑफ रूट थ्री का क्यूब करेंगे माइनस थ्राइस मल्टीप्लाई बाय टू रूट थ्री लिखेंगे, यही अब फॉर्मूला था। अब यहाँ पे देखो दो की पावर तीन करेंगे आठ हो जाएगा, रूट थ्री की पावर तीन करेंगे तो थ्री इंटू रूट थ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिक्स रूट थ्री, तो आंसर कितना आएगा मेरे पास, चौबीस में से छह माइनस करेंगे एटीन रूट थ्री, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपको समझ आया कि अगर हमें ये चीज पता है कि यहाँ पर इसके लिए हमें बैकएंड ये चाहिए तो हमारा आंसर जो है वो इजिली आएगा, ठीक है, चाहे यहाँ पे माइनस लिखा हो चाहे प्लस लिखा हो चाहे स्केयर लिखा हो चाहे क्यूब लिखा हो चाहे पावर फोर लिखा हो। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछ लूँ कि चलो ये बताओ x की पावर 4 प्लस 1 बाई x की पावर 4 निकालो, तो हमारे पास यहाँ पे जब यही डाटा आ गया, इसके बाद चाहे पावर 4 पूछ ले चाहे पावर 6 पूछ ले कुछ भी कर ले हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलो, एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे थोड़े से अच्छे अच्छे ढंग के आपके लिए लेकर आया, बस ये है कि मुझे याद नहीं है सारे क्वेश्चन, देख के लिखने पड़ने हैं, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 That must be equal to यहाँ पे 4, और आपको यहाँ पे find करना है, easy question मैं बता रहा हूँ अभी के लिए, x plus 2 की power 2 plus 1 by x plus 2 की power 2, वीडियो को पॉज करो फिर से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन। अब फिर से आपके दिमाग चलने चाहिए कि यहाँ पर प्लस लिखा है तो प्लस आएगा, प्लस से प्लस आएगा, और स्केयर है स्केयर होना चाहिए, क्यूब है क्यूब, वो आपको देखना पड़ेगा। अब सबसे इजीली आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पर ये डाटा चाहिए तो हमारा दिमाग चलना चाहिए क्या ना, इसके लिए मेरे पास ये वाला पोर्शन जो है वो पता होना चाहिए, इसका बैक एंड अगर पता होगा तभी तो मैं सीधा स्केयर करके आंसर लेकर आऊंगा, अगर ये चीज पता है तो आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो हमें इसको यहाँ पे करने के लिए दो हम इधर ऐड कर लेंगे अपनी मर्जी से, दो मैं यहाँ पे इधर ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो राइट साइड भी ऐड होगा तभी तो बैलेंस रहेगी इक्वेशन। तो अगर मैं एकदम दोनों साइड ऐड करूंगा तो यहाँ से हम अब हम स्केयर कर सकते हैं, जब मैं इसका स्केयर करूंगा तो यहाँ पे देखो यहाँ पर ये वाला स्केयर प्लस वन बाई एक्स प्लस टू का स्केयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे छह था
तो आंसर क्या होगा, 6 का स्क्वायर माइनस 2, 34 इज द राइट आंसर। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि यार ये वाला आंसर कैसे, हमने सीधा फॉर्मूला कैसे लगा दिया, आपके भी दिमाग में आया होगा। ठीक है, तो आप सारे बच्चे थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखो। अगर मैं आपको बोल दूं कि चलो ऐसा करो, x प्लस टू को ना आप यहाँ पे a मान लो अभी के लिए, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे a, और ये वाला डाटा क्या है मेरे पास यहाँ पे 1/a, और इसकी वैल्यू कितनी है 6। पूछा क्या हुआ है, a का स्क्वायर पूछा है ना हमने यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा 6 का स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो वही चीज मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 72 वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मिले x प्लस 1/x-9 इक्वल टू यहाँ पे आपके पास है 9 ही यहाँ पे 3 है 9, और आपके पास फाइंड करने के लिए बोल दिया जाए कि चलो ये बताओ यहाँ पे x माइनस 3 इसका यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1/x-3 इसका स्क्वायर। अब वीडियो को पॉज करके इसको भी ट्राई कर लो, क्वेश्चन को कर लिया होगा ट्राई, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं भाई देखो ट्राई आप खुद किया करो। ठीक है, सो अगर मैं ये यहाँ पर देखूँ तो इसका बैक एंड क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 1/x-3 होगा। तो यहाँ पे अगर मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो माइनस 3 इधर करेंगे और माइनस 3 ही हम यहाँ पे करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों साइड माइनस 3। तो आप देखोगे x माइनस 3 प्लस 1/x-3 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और इससे अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए तो क्या करना होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2, तो इसका आंसर भी 34 ही आएगा, सिमिलर आंसर आएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नोट करते रहो सारे बच्चे, वीडियो को पॉज कर करके आपको देखना पड़ेगा। इफ t का स्क्वायर माइनस ऑफ 3t प्लस 1 इक्वल टू 0, यू हैव टू फाइंड आउट t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 4। ये एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे सीपीओ का पेपर आ जाए या कोई भी। तो आपको अब ये वाला पॉइंट देखते ही आपका दिमाग चलना चाहिए कि अगर आपके पास यहाँ पे t बाय 1/t गिवन हो, अगर ये गिवन होगा तो आप उसका स्क्वायर स्क्वायर करके पावर 4 तक लेकर आओगे। सिंपल सा समझ आ रहा है ना। अब हमें यहाँ पर क्या ढूंढना है, t प्लस 1/t ढूंढना है। वीडियो को पॉज करके इसे डाटा से निकालो अभी। अब जो बच्चा उसको फाइंड कर गया उसका आंसर जल्दी आएगा, जो नहीं कर पाया वो फंस जाएगा फिर। आई होप सबने ट्राई कर लिया होगा। मैं यहाँ पे बताता हूँ, जब भी आपके पास ये डाटा है ना, दोनों साइड आपके पन्ने क्या कर लेना है, यहाँ पे टी से डिवाइड करना है, टी से इधर और टी से ही इधर। आप जब टी से डिवाइड करोगे ना, टी आपके पास सेपरेट सेपरेट एक एक नंबर से डिवाइड होता है। अगर आपको ये पता है कि कोई भी नंबर डिवाइड होगा तो वो तीनों वेरिएबल से होगा। 0/t करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला टी से टी कट गया, ये टी से टी कट गया, तो यहाँ पे टी माइनस 3 प्लस 1/t आएगा, दैट इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप चेक करोगे टी प्लस 1/t आएगा 3। अगर आपके पास यहाँ पे टी प्लस 1/t जो है वो 3 आ गया, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसका स्क्वायर करो, तो आप इसका जब टी का स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर होगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7। और अगर हम यहाँ पे इसकी पावर 4 निकालना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमें अगर पावर 4 निकालना है तो क्या करोगे, 7 स्क्वायर माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 47। दिस इज द राइट आंसर। नाउ यू आर गोइंग टू फोकस कि अगर ये डाटा है तो इसका बैक एंड क्या होगा और वो यहाँ से कैसे निकलेगा। इसका एक ही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है। क्लियर है, सो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसको नोट जो है वो सारे बच्चे करते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए, x प्लस 1/6 ऑफ x दैट मस्ट बी इक्वल टू 3, यू हैव टू फाइंड आउट 4 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 1/9 ऑफ x का स्क्वायर। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करके देखो कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, सो आई होप सबने यहाँ पे ट्राई कर लिया होगा। अब हमें ये वाला पोर्शन है, इसका बैक एंड किए तो बैक एंड क्या होगा भैया, 2x/1/3x इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा नंबर ये। अब हमें ये सोचना होगा कि यहाँ पर इसको हम कैसे लेकर आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तभी तो लेफ्ट और राइट बैलेंस रहेगी इक्वेशन। यहाँ पर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2x, 2 आपका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3x, कट जाएगा ना वो, तो यहाँ पे आएगा 6। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो इसका स्क्वायर कर दो, अब देखो जो मैंने आपको पहले समझाया था, इसका स्क्वायर करने का मतलब है 6 का स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा, बट ऊपर वाला वेरिएबल ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला वेरिएबल नीचे अलग से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर 36 माइनस 4/3,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 104/3। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे आसान तरीका यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 75 के ऊपर। एक क्वेश्चन और था, वो हमारा हो चुका है पहले, हम उसको दोबारा से नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और है, ये वाला माइनस वाला तो अभी नहीं किया, चलो ठीक है माइनस वाला रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्स माइनस वन बाई एक्स यहाँ पे एन होगा, तो यहाँ पे मैंने अभी तक आपको ये माइनस से माइनस जाने का अप्रोच नहीं बताया है स्केयर के अंदर, तो इसके लिए बेफिक्र हैं, आपको जो मैंने पहले अप्रोच बताए हैं वही ध्यान में रखनी है, क्लास के एंड में मैं रिवाइज भी करवाऊंगा, इसी में कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट इसी में फंस रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो चीज मैं पहले क्लियर करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अगर आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे x डिवाइड बाय x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3, यू हैव टू फाइंड आउट x का क्यूब प्लस 1 बाय x का क्यूब। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी ट्राई करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वही जहाँ पे दिमाग आपका रुक सकता है। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको पर्सनली ऐसा लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक मिनट स्टेक हो चुकी है, दोबारा से कर लो, यहाँ पे 3 नहीं है, 1/3 है, अगर 3 होता तो कुछ और आंसर आता, 1/3 है जो मेरे पास क्वेश्चन है, दोबारा से करो 1/3 करके करो। ठीक है, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए, जब तक मैं एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ। हाँ, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं जो आपके काम के, चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब अभी ये डाटा चाहिए तो इसका बैक एंड हमें चाहिए, यहाँ पे एक्स प्लस 1/x चाहिए तभी तो आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला डाटा चाहिए तभी तो आंसर आएगा, जब भी ऐसा डाटा दिखे और ये चीज पूछ ली जाए तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस यहाँ पे क्या होगा 3x यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये वाला 3x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है तो क्या करेंगे, अभी अभी बताया था ना x x से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 5 प्लस 1 बाई x इक्वल टू 0। आप चेक करोगे तो ये आएगा x प्लस 1 बाई x दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। क्लियर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 5। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्यूबिंग फॉर्मेट, तो इसका क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे पता है सबको 5 का क्यूब माइनस थ्राइस इंटू 5, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 125, 110 आ रहा है। ठीक है, ये आपका सही उत्तर। क्लियर हो गया ये भी डाटा, जो जो अप्रोच बता रहा हूँ अपने दिमाग में जो है वो प्रॉपरली फिक्स करते रहो, ताकि आपके सारे डाटा यहाँ पे बनते रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा। अब ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आपके एसएससी में देखने को मिले कि इफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स, थोड़ा सा खराब लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं अरेज कर देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे आप इसको फिर से वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं जब तक एक दो क्वेश्चन और देख लेता हूँ जल्दी से कि और क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, दो क्वेश्चन और पड़े हैं इसके बाद, दो तीन हैं, जितने भी हैं कर लेंगे सारे। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आपको क्या ध्यान में रखना होगा, आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर मैं एक्स से डिवाइड करूंगा दोनों साइड तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इतना आएगा, आप इसको चेक कर पाए कि एक्स से डिवाइड कर दिया दोनों साइड तो यहाँ पे देखोगे एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा 3, और अगर मैं इसका स्क्वायर आपको निकालने के लिए बोल दूं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 7, और बाकी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, ये हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हो जाए x माइनस 1 बाई एक्स जो है वो आपके पास है यहाँ पे 1 के बराबर, यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ऑफ x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। इसको भी सारे बच्चे जल्दी से कॉपी पेन के ऊपर नोट करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसका आंसर क्या हो। सारे क्वेश्चन जो है ये अच्छे अच्छे हैं, मुझे भी इतने सारे क्वेश्चन याद नहीं है, हाँ कंसेप्ट जरूर याद है यार, इसमें ऐसे ऐसे सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पता है, क्वेश्चन याद नहीं रहते मुझे, और ना ही मुझे सीरियसली बताऊं क्वेश्चन याद करने भी नहीं है। ठीक है, इतने क्वेश्चन ही याद करने यार। ओके, तो अभी तक सब बच्चों ने यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह कर लिए होंगे सॉल्व। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने वीडियो पॉज नहीं किया ट्राई करना था आपने,
अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यार एक्स की पावर 4 वाला तो कोई ऐसे वाली अप्रोच तो है नहीं हमारे पास कि हम ये चीजें सीधा फाइंड कर ले, ये तो पंगा गलत हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। हम क्या करेंगे, हमें जो पूछा हुआ है ना ये वाला पॉइंट, हम इसको एक्स की पावर 3 बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये 3 कैसे होगा इसको समझो, पहले तो 4 ही लिखो यहाँ पे। हम क्या करते हैं, इस वाले पोजिशन को एक्स से डिवाइड कर लेते हैं और डिनोमिनेटर वाले पोजिशन को भी एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मैं इस वाले एक्स को इससे कट कर दूंगा तो पहले वाली इक्वेशन रहेगी, तो मैं ऊपर वाले को भी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले को भी एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपकी इक्वेशन बैलेंस रहेगी। जब हम ऐसे करेंगे, ये वाला एक्स इधर कटेगा और ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस 1/x³। नीचे क्या होगा, ये एक्स इससे कटेगा, यहाँ पे आएगा 3x। यहाँ पे एक्स इससे कटेगा तो यहाँ पे आएगा +5। यहाँ पे एक्स नहीं कटेगा तो यहाँ पे आएगा 3/x आएगा। और ऊपर वाले पॉइंट को चेक करेंगे तो एक्स का क्यूब माइनस 1/x³ आएगा। नीचे वाले पॉइंट में 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा +5। नाउ वी आर गोइंग टू से कि यहाँ से हमें ये तो पता ही है कि एक्स का क्यूब माइनस 1/x³ कितना होगा, वो होगा हमारे पास यहाँ पे 1³ +3×1। तो इसका आंसर तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहा है। और हमारे पास जो क्वेश्चन वाले हैं यहाँ पर देखो, इसके वाले में तो हमसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है एक्स का क्यूब माइनस 1/x³ दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4, एंड दैट इज ए डिविजिबल बाय व्हाट, दैट इज ए डिविजिबल बाय 3×(x-1)(x+5). नाउ वी कैन से एक्स माइनस 1/x इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1, क्लियर। सो आफ्टर दैट दैट इज इक्वल टू 3×1+5, दैट मस्ट बी इक्वल टू 8, सो वी कैन से 4/8, दैट इज द 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1/2 आ रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। सो ऐसे आपको स्मार्ट वर्क जो है वो सोचना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, अगर आपके पास यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x का क्यूब प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x का क्यूब डिवाइड बाय सॉरी x का स्क्वायर ना होगा यहाँ पे, x का स्क्वायर होगा, ठीक है, x का क्यूब डिवाइड बाय x की पावर 6 प्लस 27 ऑफ x का क्यूब प्लस 27, ठीक है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई गेस, मैं सारे क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं अभी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, नहीं अभी खत्म नहीं होगा यार, ठीक है, इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे इसको, 2-3 है अभी अच्छे क्वेश्चन बचे। तो सॉल्व कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया मैं बता देता हूँ, सॉल्व आपने करना है खुद। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स के क्यूब से और एक्स के क्यूब से डिवाइड करना है, ऊपर तो 1 हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन जब ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आएगा एक्स का क्यूब, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे चेक करोगे 27, और यहाँ पे नहीं कटेगा 27/x³ आएगा, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस। आफ्टर दैट वी नो कि अगर ऐसा डाटा होगा तो क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे लेफ्ट और राइट साइड, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस 4 प्लस 3 ऑफ 3/x, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। सो नाउ वी कैन से एक्स प्लस 3/x इक्वल टू 4, 4 नहीं होगा यहाँ पे, -4 होना चाहिए। एक सेकंड, गलत है क्या क्वेश्चन, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, अभी जो क्वेश्चन है मेरे ख्याल से तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए था ताकि इधर प्लस में आता, चलो माइनस है तो माइनस में ले जाओ, ठीक है, जो है उसी के साथ चलेंगे लेकर, ठीक है, धक्का नहीं करेंगे यहाँ पे अपनी मर्जी से। अब आपको यहाँ पे देख रहा होगा कि ये वाला एक्स का क्यूब है और ये डाटा, ये क्यूबिंग है, तो मैं इसका क्यूब करूंगा यहाँ पे, तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो एक्स का क्यूब प्लस 27/x³ दैट मस्ट बी इक्वल टू -4³। प्लस से प्लस जा रहे हैं तो -3×, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये वाला वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय जो वेरिएबल ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ये चीज आपको पढ़ाई गई थी। यहाँ पे कितना आएगा -64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 12 12×3 करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 36, क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास कुछ डाटा जो है वो मुझे जम सा नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है जम जाएगा, हाँ यहाँ पे 27 भी तो है, तो यहाँ पर आपके पास ये डाटा आ जाएगा, तो 64 में से 36 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप 14 में से पहले 6 को माइनस करेंगे 8, और ये आएगा 28 मेरे पास यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है। नाउ आपके पास ये वाला फॉर्मेट है, इस डाटा को यहाँ पर, इस डाटा को उठा के यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/27 -28, सो वी कैन से -1 इज द राइट आंसर, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि अगर हमारे पास यहाँ पर ऐसा डाटा आ जाए x की पावर 25 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 12 इक्वल टू 7, यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 72 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 36। नाउ यू हैव टू फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आल्सो। अगर आपके पास कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी में, क्यूबिंग में कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो जल्दी से। कई बार स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि इसको ऐसे टीसी सोचते हैं कि ऐसे कर लेंगे सॉल्व, सीधा क्यूब करेंगे आंसर आ गया। सर आंसर तो आ गया बट अप्रोच गलत होगी ना। आंसर तो आ जाएगा, सीधा क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ प्लस से प्लस का आंसर आएगा, बट आपका अप्रोच गलत हो जाएगा। हमें अप्रोच भी सीखनी है अभी के लिए तो, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूँ, आपको इतने क्वेश्चन बता दिए, ये इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप x की पावर 36 प्लस 1 बाई x की पावर 36 लिखोगे, यहाँ पर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 12 प्लस 1 बाई x की पावर 12 करेंगे या नहीं बताओ, और इसकी वैल्यू 7 है। अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर पावर 3 होगा, तो अगर पावर 3 करेंगे 12 से तभी तो 36 आएगा हमारे पास यहाँ पर, और अगर हमारे पास 36 आ रहा है तो यही तो फाइंड करना है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 322। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर चलते हैं। अब दो क्वेश्चन हमने सीखने हैं जो कि थोड़े अलग ही लेवल के होंगे। सपोज x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 2, वी हैव टू फाइंड x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5, दैट इज व्हाट। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आई होप ट्राई कर लिया होगा सबने। आपको पता है 2 वाला फॉर्मूला, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो तभी 2 आ सकता है, यहाँ पे 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 रखेंगे तो आंसर इसका भी 2 होगा, दैट इज द राइट आंसर। बट रिमेंबर दैट, अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाए हमारे पास यहाँ पे 3। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 5, क्योंकि x की पावर 5 का मैंने आपको कोई भी लॉजिक नहीं बताया, ना ही हम पावर क्यूब करने के बाद यहाँ पर कुछ करने के बाद सीधा पावर 5 लेके आ सकते हैं। वैसे इसके भी शॉर्टकट आ चुके हैं अभी मार्केट में, बट आपको नहीं करने, क्योंकि x की पावर 7 का अलग शॉर्टकट है, x की पावर 11 का अलग शॉर्टकट है, आपको इतने शॉर्टकट थोड़ा करने हैं यार, ठीक है ना। आपको एक ही फॉर्मेट देखना, सारे आंसर होने चाहिए बस, तो वो चीज मैं सिखा रहा हूँ, समझो। अब सारे बच्चे देखो, अगर x की पावर 5 होगा तो उसको कैसे कर सकते हैं, हमें पता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोल दूं कि x का स्क्वायर प्लस 1 बाई x का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे 7। अगर मैं आपको बोल दूं कि x का क्यूब प्लस 1 बाई x का क्यूब, तो आप क्या करोगे, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 18। क्लियर है, अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए ये आप डायरेक्ट लिखना जान गए होगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको लेफ्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट वाले को राइट वाले के साथ, ठीक है। सो मार्कर अभी थोड़ा खराब हो चुका है, 7 × 18 आएगा। जब आप देखोगे ये वाला डाटा इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर तो x की पावर 5 होगा, ये वाला डाटा जब इधर मल्टीप्लाई होगा ना, ये कट जाएगा नीचे वाले, तो यहाँ पर x प्लस 1 आएगा, 1/x आएगा। ये वाला डाटा जब इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर x बचेगा, और ये वाला डाटा लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे x की पावर 5 बचेगा। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इससे सारे क्वेश्चन आ गए, सारे नहीं आएंगे, जो पॉइंट सीखना था वो तो मिस कर दिया। यहाँ पे एक पॉइंट समझना है आपने कि यहाँ पर x की पावर 5 तो ठीक है, 1 बाई x की पावर 5 तो ठीक है, जो हमने फाइंड करना था वो आ गया, बट यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर x प्लस 1 बाई x है जिसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे 3 रखेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 126। तो जब भी आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्राई टू मैनेज कि आपके पास जो यहाँ पर गैप है, किस कहाँ का गैप है मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखें, x की पावर 2 प्लस 1 बाई x की पावर 2 और x का क्यूब प्लस 1 बाई x की पावर क्यूब, ये मार्कर थोड़ा खराब हो गए। तो यहाँ पे जो पावर है इनका गैप एक होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि गैप अगर एक होगा ना तो सिंप्लीफाई करना आसान है, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। अंडरस्टैंड, मैं समझाऊंगा कैसे आती है। सो अब मैं ये वाले 3 को जब इधर माइनस करूंगा ले आकर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5, और ये मार्कर थोड़ा ज्यादा खराब होता हुआ, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास यहाँ पे 123। ये आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 81, और इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेकर जाना, मैं पहले बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 81, अगर मैं आपको, ये आपका होमवर्क है, अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर हमारे पास 3 है, थोड़ा लेंथी आएगा कैलकुलेशन बट आपने कर लेना, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7, ठीक है, एसएससी में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन, ध्यान रखें। बट यहाँ पर आप कुछ बच्चे सोचेंगे, सर हम ऐसा करते हैं, हम ना x की पावर 6 निकालना जानते हैं, अब ये मत बोलना सर नहीं आती, कुछ बच्चों को मैंने सिखा दिया ये वाला पॉइंट। अब मैं यहाँ पर इसको अगर x प्लस 1 बाई एक्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पर x की पावर 7 आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे भी होगा, बट जब ये आपस में होंगे ना, तो बीच में यहाँ पर x की पावर 5 भी आएगा, समझ रहे हो। तो जब 5 करने लग गए तो फंस गए। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला कि जब भी आप मल्टीप्लाई लेकर आओगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल ऐसे होगा जिनका गैप आपके पास एक लेकर आएगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 रखोगे तो यहाँ पे 4 है, तो गैप कितने का आएगा, एक आएगा ना। तो जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर x की पावर 7 प्लस 1 बाई x की पावर 7 आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई x आएगा, क्लियर है डाटा। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई x आएगा। नाउ यू कैन, वी कैन से कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 सीधा रख देंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखनी समझनी पड़ेंगी। मैं दोबारा से क्वेश्चन लिख देता हूँ, हमारे पास ये है, और इसके बाद हमें पूछा जा रहा है x की पावर 7 प्लस 1 बाई x की पावर 7, इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पे, सॉरी 7 ही, यहाँ पे 3 लिख लो, इसका क्या आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में बता सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसका एक बार डाटा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले मैं आपको अप्रोच बताता हूँ मैंने क्या करवाई है आपको, कि अगर x की पावर m है, 1 बाई x की पावर हमारे पास यहाँ पर m है, तो इससे मैंने आपको दो अप्रोच समझाई है। पहली अप्रोच है, अब आपको देखो क्लियर हो जाएगा, x की पावर 2m डिवाइड बाय x की पावर 2m, फिर मैंने आपको बताया था अगर x की पावर 3m प्लस 1 बाय x की पावर 3m, यही बताया। अगर इसका डाटा मैं n लिख दूं तो ये क्या होगा, ये होगा n का स्क्वायर माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, n का क्यूब माइनस 3 ऑफ n, क्लियर। ये हमारे पास एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच है कि अगर हमारे पास यहाँ पर x की पावर m माइनस 1 बाय x की पावर m है, अगर ये मेरे पास यहाँ पे n के बराबर होगा, तो इसकी भी मैंने आपको यहाँ पे दो अप्रोच बताई हैं। पहली अप्रोच है x की पावर 2m माइनस 1 बाई x की पावर 2m, दैट मस्ट बी इक्वल टू n का स्क्वायर प्लस का 2। और यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब आएगा, और कोई नहीं आता। बाकियों के लिए हमें अलग से फॉर्मेट जो है वो सीखने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे पास यहाँ पे, n का क्यूब प्लस ऑफ थ्राइस ऑफ n, क्लियर हो गया डाटा। अब आप में से कुछ एक, सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना है, कौन सा, कि माइनस से माइनस आपका सिर्फ तब होता है जब हम यहाँ पर पावर क्यूब में लेकर जाते हैं, अदरवाइज अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस में स्केयर होगा, प्लस से प्लस में क्यूब होगा, प्लस से प्लस में स्केयर होगा, माइनस से माइनस सिर्फ आता है जब क्यूब करते हैं, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपको सारा रिजल्ट जो है वो आई होप याद हो गया होगा, समझ आ गया होगा। जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं दो बार कर लेना, अभी हम दो तीन क्वेश्चन और करेंगे कल के सेशन के अंदर इसी फॉर्मेट के ऊपर। मान लो मैं आपको ये वाला पोर्शन दे दूं प्लस वाला, और आपसे यहाँ पर माइनस वाला, ये वाला पोर्शन देके मैं अभी कॉन्ट्रावर्सी करवा दूंगा कल, ये वाला पोर्शन देके मैं आपसे ये वाला पूछ लूंगा कैसे निकालते हैं, तो कल हम वो भी सीखेंगे कि सिंबल जैसा मर्जी हो वो भी कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप ये थोड़ी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है क्लास को यहाँ पे लाइक और कमेंट जो है वो सारे बच्चे जरूर किया करो, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।